से पहुंच जाते हैं अपने गदौलिया चौक, यहीं से अपना काशी विश्वनाथ का रास्ता चालू होगा। गेट नंबर 2 का रास्ता आता तो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, गेट नंबर 2 में सबसे कम भीड़ रहती है। हम भाई क्या पढ़ रहे हैं? देखो माय गर्लफ्रेंड इज प्रेग्नेंट एंड वी डोंट वांट बेबी, शी वांट टू वांट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमारी नींद पूरी हो चुकी है मस्त वाली और अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने। बस सामान पैक हो रहा है, सारा सामान पैक करके नीचे अपने जो मेरा होटल है मैं वहीं रखवा दूंगा और फिर आराम से यहाँ रिक्शा पकड़ के निकलेंगे। जो बेसिकली गदौलिया घाट पे हमें जाना है, गदौलिया एक जगह है, वहाँ से काशी विश्वनाथ के गेट पास है, तो मिलते हैं आपको। वैसे आई थिंक अंदर फोन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने मन के आंखों से आपके दर्शन करा दूंगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ऐसा धूप देख के मैं तो हो गई हालत खराब। आ जाते हैं ब्लू लस्सी पे, तो गर्मी तो नहीं लग रही? जाता बहुत ज्यादा लग रही क्या? इसीलिए तो बंद है, ठंडी ठंडी ठंडा हो जाएगा पूरा। ठंडी लस्सी मिल गई, गर्मी भाई साहब। तो लस्सी देखो, ये लस्सी है क्या? ओए होए 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 गाइस देखो, एक लस्सी पेट भर देगी मेरा। हम फिर से पहुंच जाते हैं अपने गदौलिया चौक, यहीं से अपना काशी विश्वनाथ का रास्ता चालू होगा। हम परसों भी आए थे यहाँ पे काशी चाट भंडार पे। हाय हाय, लेकिन गर्मी भाई साहब नहीं है हमारे यहाँ, बहुत ही जहाँ से गेट नंबर 2 का रास्ता आता तो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, गेट नंबर 2 में सबसे कम भीड़ रहती है, तो आप गेट नंबर 2 से ही आओ हमेशा, इजीली आपको मिल जाएगा। नहीं तो ऐसी भीड़ रहती है तो आप सोच नहीं सकते। देखो कितनी, यहाँ से देखो इतनी खाली मिल रही है हमें, ये तो मेन उस पर बहुत भीड़ रहती है। हाँ एक चीज तो एक्सप्लोर की हमने, तो गाइस हम निकल लिए हैं दर्शन काशी विश्वनाथ जी के, बहुत ही मन को सुकून मिल रहा है और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें। हमारा बेसिकली VIP टिकट था हम पे, तो हमें लाइन वाइन में लगना नहीं पड़ा, हमारा सब काम जल्दी हो गया और रुद्राभिषेक भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हो गया। जय बोले कुछ खाने को, ऐसा भूख लगी हुई बहुत अच्छे से, मेरा दर्शन के चक्कर मैंने खाने नहीं खाया था, तो हमने मस्त मिली है। मैंने 99 रुपये की थाली थाली आई गई भाई साहब। ओहो, अब हम दोनों भूखे खाएंगे खाना। यो हो गया हमारा खाना पीना, हाँ हाँ मजेदार। 99 रुपये में तो बेस्ट थाली थी, मतलब घर जैसा खाना था, सिंपल सोबर। अभी जा रहे हैं हम काल भैरव टेम्पल, काल भैरव टेम्पल फिर से हमें 1 किलोमीटर पैदल चलना है। आए हाय इस गर्मी में पैदल, धूप हो रही है गंदी वाली। हम पहुंच चुके हैं काल भैरव टेम्पल, 100 मीटर वॉकिंग है बस, हमें यहाँ से का रिक्शा मिल गया था। और याद रखना यहाँ अगर तुम्हें एक फ्यूचर बनाना है ना अपने रिक्शे की, वो खोल लो यहाँ, 200-200 रुपए लेते हैं हर चीज के लिए, बहुत पैसा कमाते हैं यहाँ रिक्शे वाले। रिक्शे की चेन खोल लेते हैं भाई साहब, मुझे इससे ज्यादा पैसा किसी चीज में दिख नहीं रहा सच में। गाइस मैंने इतना अच्छा रिक्शा चलाने वाले नहीं देखा भाई, उसने भाई साहब लिटरली GTA बना रखी थी अपनी भाई, वो मौत का खेल खेल रहा था भाई साहब, उन्हें जिस जैसे से कट मारे ना, वो भी स्पीड में। जलवा है हमारा, तो बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जा रहे हैं दीना चाट भंडार, काशी चाट भंडार तो हमने परसों आए गए थे, आज जाएंगे दीना चाट भंडार। और मैंने इंटरनेट पर दीना चाट भी बहुत फेमस देखा, तो करते हैं मजे, आपको दिखाते हैं दीना चाट भंडार। और उसमें भी वैसे लगभग काइंड ऑफ सेम चीजें मिलती हैं, फिर मे बी टेस्ट अलग हो। मैंने एक वीडियो देखी थी, इसमें था कि यहाँ का कस्टर्ड पूरी एवन, वो ट्राई जरूर करूँगा। मेरा मतलब है पानी पूरी का भी है, अभी देखो करता हूँ नहीं करता, क्योंकि पेट में जगह का मेरे। स्माइल अपना एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं वही, शाम के पूरे वीडियोस में एक एक्सप्रेशन है। काशी से बहुत ज्यादा
आई गारंटी तो आप कुछ नहीं है इसके सामने। बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं बता दो। ये खस्ता कचौड़ी है, ये टिक्की है, ऊपर से सब सेम है। गाइस सच बताता हूँ, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा टेस्टी है, ये मेरा मानना। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट है। भैया पे आ जाते हैं अपना मीठा पान लेने। बनारस में लास्ट दिन अब पान के साथ हम वो करेंगे एंड। ये बनारसी पान इज फेमस। क्या कहते हो भैया? आ गया अपना पान। ये हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय और हम जाते हुए अपने सामानों के साथ रेलवे स्टेशन। भाई साहब देख रहे हो कहां तक सामान है मेरा। बोले सुंदर सा नहीं बना रखा है? हाँ तो उसका डेवलपमेंट पहले मंडुआ डीप था ये। यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है, यहाँ पे चार बनाना स्टेशन है, चारों का नाम बनारस है। तो जब भी आप अगर ट्रेन में जाते हो पहले क्रॉस चेक कर लिया करो कि आप किस पे हैं। इसका नाम पहले मंडुआ डी था, अब इसको ही बनारस कर दिया गया। देख रहे हो तुम कितनी प्रॉब्लम है। ये सुंदर बहुत है यार, ये देखो। वेट करेंगे यहाँ पे अपने एसी लाउंज। कितने घंटे की है हमारी? दो घंटे। हम यहाँ बैठे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं? देखो माय गर्लफ्रेंड इज प्रेग्नेंट एंड वी वांट वन बेबी, शी वांट वन। तो जानकारी लेके क्या करेगा ये बता। दोस्तों की सहायता करूंगा, देखूंगा कहीं दुविधा में अगर फंसते हैं। सोच जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी बनती है। तेरे कब खून खोलेगा गौरव? तेरा कब खून खोलेगा? मेरा जैसे खून खोलेगा मैं सीधे मंडप में दिखूंगा। इनका वही हो गया है, ये प्यार व्यार की उम्र निकल गई, सीधा ब्याह ही रचाएंगे भाई, है ना? ऐसे होगा तेरा। फाइनली कर लिया मैं ट्रेन बोर्ड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और जल्दी सब्सक्राइब कर लो अच्छी चीजें देखने को। चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू।